पहले हम फिर यहाँ पर हाजिर हैं कूनो नेशनल पार्क के तमाम सीधे नज़ारे लेकर के, जो कि श्योपुर की धरती से जो है एमपी न्यूज़ के रिपोर्टर परम जाट आप तक लगातार पहुँचा रहे हैं और ये बताने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना बड़ा ये कदम है, कितना ऐतिहासिक ये दिन है जब कूनो नेशनल पार्क में 8 अफ्रीकन चीते रफ्तार पकड़ेंगे, यानी कि देश के दिल में रफ्तार होगी चीतों की और उम्मीद की जा रही है कि चीतों से रफ्तार के साथ ही पूरे देश पर राज करेगा देश का दिल यानी कि मध्य प्रदेश, जो कि विकास की रफ्तार में भी अपने कदम को आगे बढ़ाएगा और सीधे तौर पर कहें तो एक वैश्विक संदेश भी जो है मध्य प्रदेश की धरती से पूरी दुनिया के समक्ष जाएगा कि इकोसिस्टम को कायम करने के लिए, हमारे जंगलों को वनों को बचाने के लिए एक बड़े दृढ़ संकल्प के साथ मध्य प्रदेश की सरकार ये कदम उठा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर जो है कूनो नेशनल पार्क को ऐतिहासिक क्षण के साथ जोड़ गए हैं, या सीधे तौर पर कहें कि यह पहला मौका नहीं है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस एडवेंचरस कदम के साथ देखे गए हों। जी हां, एमपी न्यूज की एडिटोरियल टीम के रिसर्च के मुताबिक आज से ठीक 3 साल पहले अगस्त के महीने में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक और एडवेंचरस अंदाज भी देखने को मिला था। यह रिसर्च इस तरह से निकल कर आई कि जब डिस्कवरी चैनल के सबसे प्रचलित शो मैन वर्सेस वाइल्ड में जो है यहां पर प्रधानमंत्री नजर आए थे नरेंद्र मोदी और बेयर ग्रिल्स के साथ उन्होंने जंगल सफारी का आनंद लिया था, या कहा जाए हमारे जो वन संपदा है उसका महत्व जो है पूरी दुनिया को देने का एक प्रयास किया था, यानी कि ये पहला मौका नहीं है जब कूनो नेशनल पार्क में जो है नरेंद्र मोदी इतनी बड़ी सौगात दे गए हैं, बल्कि ऐसे कई मौके वो जो है अपने अब तक के कार्यकाल में दिखाते आए हैं। और आज से ठीक 3 साल पहले जब डिस्कवरी के मैन वर्सेस वाइल्ड के एक एपिसोड शूट के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने वन संपदा को सहेजने, वन संपदा के संरक्षण का जो संदेश दिया था, ये भी एक उनका एडवेंचरस अंदाज था। आइए लिए चलते हैं आपको ठीक 3 साल पहले जब जंगलों में सफारी का आनंद लेते नजर आए थे और बेयर ग्रिल्स के साथ में जो है एडवेंचरस अंदाज में देश के प्रधानमंत्री अपने एडवेंचरस कदम यानी कि क्रांतिकारी अंदाज में क्रांतिकारी कदम बढ़ाते देखे गए थे। देखिए एमपी न्यूज की ये स्पेशल रिपोर्ट। डिस्कवरी चैनल के बेयर ग्रिल्स भी हैरान थे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये एडवेंचरस अंदाज देखकर, और वन संपदा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो लगाव है ये बहुत पुराना है। शायद ये वजह है कि चीतों की चिंता को दूर करने के लिए उन्होंने हिंदुस्तान के दिल को चुना यानी कि मध्य प्रदेश को चुना और कूनो नेशनल पार्क से जो संदेश निकल कर गया है ये आने वाले कल में मानव प्रजाति के कल्याण के लिए, मानव प्रजाति के संरक्षण के लिए और ग्लोबल वार्मिंग जैसी वैश्विक समस्याओं से निपटने के लिए भारत का एक बड़ा पैगाम भी पूरी दुनिया के सामने बनकर उभरेगा, ऐसी उम्मीदें की जा सकती हैं, ऐसी आशाएं की जा सकती हैं। एमपी न्यूज़ के इस खास सेगमेंट में फिलहाल इतना ही। खास सेगमेंट आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा और ताज़ातरीन खबरों के लिए लगातार बने रहिएगा आपके अपने न्यूज़ चैनल एमपी न्यूज़ के साथ, जो कि अब अवेलेबल है डीजियाना केबल नेटवर्क और हैथवे केबल नेटवर्क पर। धन्यवाद, नमस्कार। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ, एमपी की बात एमपी न्यूज़ के साथ।